हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल का एनसीईआरटी बुक का 7.6 कर लिए हैं। 7.6 के बाद डेफिनिट शुरू होता है, डेफिनिट नहीं शुरू कर रहा हूं अभी। डेफिनिट के बाद मिसेलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 7, माने होल इंटीग्रेशन पे मिसेलेनियस एक्सरसाइज है। उस मिसेलेनियस एक्सरसाइज से जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसे मैं कर रहा हूँ। इससे हमारा डेफिनिट पार्ट खत्म, इनडेफिनिट पार्ट खत्म हो जाएगा। इनडेफिनिट पार्ट, गलती बोल दिया, डेफिनिट पार्ट बाद में शुरू करता हूँ। इनडेफिनिट का जो सब क्वेश्चन है मिसेलेनियस में वो एक एक करके करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको यहाँ लिख के रखा हूँ मैंने 24 तक कंटिन्यूअस इनडेफिनिट इंटीग्रल है, उसके बाद डेफिनिट का मिसेलेनियस है, तो इनडेफिनिट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 1/x − x³ dx। इस चैप्टर करने का मकसद यह है या बुक में देने का मकसद है, अभी तक हमने जो सब फॉर्मूला और उस फॉर्मूला पे आधारित जो एक्सरसाइज किए, उस एक्सरसाइज में तो इजीली पता चल जाता था जो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मिस दे दिया है सर, कहां क्या होगा ये आप रिवीजन करें। तो चलिए 1/ ये एक्स कॉमन होता है ले लेता हूं, फिर आगे देखा जाएगा। 1 − x² dx, ये तो फैक्टर में आ गया, देखने से ही लगता है ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो यहां सोचने वाली बात है, अभी हमने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया है, मिसेलेनियस कर रहा हूं, कहने का मतलब जितना जो सब सीखा है वो अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां मैं इजीली इसको ऐसे पहले करके दिखा दूं, 1/x इस प्लस 1/(1 − x²), ये ABCD नहीं पकड़ के बाईपास हीट एंड ट्रायल मेथड से करने का कोशिश कर रहा हूं। ये 1 - सोचता हूं, 1 − x² इधर आएगा एलसीएम लेने से, प्लस यहाँ x आ रहा है, 1 दिए तो x × 1 x हो रहा है, यहाँ अगर x दे दू तो x × x x² हो जाएगा, तब ये कैंसिल जाता, ऊपर 1 बच जाएगा मेरा, ये इक्वल टू ये पार्शियल फ्रैक्शन इजिली हीट एंड ट्रायल मेथड से हो जाता है, तो कर ही देता हूं इसको। इंटीग्रेशन dx 1/(x) dx प्लस x dx / 1 − x²। यहां तक करने के बाद आगे बात बढ़ाऊंगा, 1/(x) का इंटीग्रेशन log x जो होता है लिख देता हूं, प्लस बाकी ये पार्ट रहा, ये पार्ट करने के लिए 1 − x² को t मान लेता हूं, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, ये −2x dx = dt, तो फिर x dx, हमारे हाथ में x dx है, x dx = −½ dt, तो प्लस x dx मतलब −½ dt / t। लॉग सी नहीं लिख रहा हूं, कॉन्स्टेंट वाला पार्ट वो लिख ले आप, −½ dt / t log t। आंसर हो चुका है, टी का वैल्यू बैठा दू x − ½ log t का वैल्यू 1 − x² + c, ये आपका आंसर कंप्लीट है। लेकिन फिर भी आप अगर टेक्स्ट बुक से मिलाना चाहे तो मैच करता हूं, टेक्स्ट बुक का आंसर है, हाफ कॉमन लिया है, हाफ कॉमन लेता हूं, ये आंसर बिल्कुल सही है, आप यहां तक छोड़ सकते हैं, एग्जाम में कहीं भी छोड़ सकते हैं। बार बार बोलता हूं टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करे, वहां तक पहुंचाना है, इसे याद करने वाली चीज नहीं है मैच, आप जो सीखा वो करो, यहां तक किया फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन या बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं वो आपको वेरीफाई हो जाएगा, या आप भी इसलिए आंसर मिलाते हो कि ठीक है कि नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। हाफ कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 log x, बाद में मॉडुलस दूंगा, −½ तो कॉमन ही लिया, कॉमन लेने में अगर डिस्टर्ब होता है तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से 2 वहां आ जाएगा, वही 2 है, एलसीएम का नीचे वाला 2 ये, हाफ कॉमन लिए 2 log x − log 1 − x², ब्रैकेट बंद, लास्ट में सी देने से दीजिए, ये हाफ लॉग, ये 2 ऊपर जाएगा, ये वाला रूल लॉग m का पावर n होता है, n log m, पावर साइड में आया, साइड वाला पावर में जाएगा, साइड वाला पावर में जाएगा, −log 1 − x² a + c, फाइनल आंसर हाफ log
एक्स स्क्वायर बीच में माइनस है तो डिवाइड वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये टेक्स्ट बुक का आंसर था, यहाँ तक ला दिया। अगर आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बारे में बोल दूं, मेरे गांव में एक मेरे अंकल का डेथ हो गया, उनके रेस्पेक्ट में घर वाले तो ये होते ही है, 13वां दिन कितनावा दिन, तो उनके रेस्पेक्ट में हम भी हुए हैं, ये हमारा रिवाज है। किसी का डेथ होता है तो यंग जनरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मेंटेन करते हैं। अभी आपको मेरे गांव में टकला की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू, वन बाय रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस रूट ओवर एक्स प्लस बी डीएक्स, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से, इसलिए इसको सीरियसली कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितना सीखे हैं नहीं सीखे हैं। ये कौन टाइप है, एकदम स्टार्टिंग में विदाउट सब्स्टिट्यूशन, वो भी नहीं किए थे तब का, यानी सिंपल एप्लीकेशन एलजेब्रिक करके इसको कर सकते हैं। रूट है नीचे, रेशनलाइज करो, एक्स प्लस ए रूट ओवर एक्स प्लस बी, सिंपल रेशनलाइज करो, एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी, यहां भी रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ता हूं, धीरे धीरे पहले इंटीग्रेशन होने लायक बन जाए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा, माइनस आया तो ये प्लस वाला चेंज होके माइनस डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में बचता है ए माइनस बी ऊपर रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी डी एक्स। डिनोमिनेटर में जब तक था तब तक प्रॉब्लम था, वो न्यूमरेटर में आ गया, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इरेशनल टाइप का होने से, रूट होने से आप रेशनलाइज करके इजी बना सकते हो। 1 बाय ए माइनस बी बाहर कर दिए, 1 बाय ए माइनस बी, यहाँ बचता है रूट ओवर एक्स प्लस ए, यानी एक्स प्लस ए का पावर हाफ, पावर रूल से इससे करेंगे एक्स का पावर एन डी एक्स से, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये मेथड लगाऊंगा, क्योंकि रूट के भीतर में एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स नहीं है, सिंपल एक्स है, यानी एक्स का पावर एन या ए एक्स प्लस बी वाला रूट, पावर वाला रूट, माइनस एक्स प्लस बी का पावर हाफ डी एक्स, वन बाय ए माइनस बी ब्रेकेट में रखता हूं, एक्स प्लस ए का पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन माइनस, बिल्कुल वही पावर में हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन, वन बाय ए माइनस बी, ये रहा थ्री बाई टू, ऊपर भी एक्स प्लस ए का पावर थ्री बाई माइनस थ्री बाई टू, एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू कॉमन लूंगा, नीचे है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी टू बाई थ्री ए माइनस बी, ब्रेकेट में एक्स प्लस ए का पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू प्लस सी। एक पेन चेंज कर लू, क्वेश्चन नंबर ये था आपका टू, क्वेश्चन नंबर थ्री करता हूं इजीली, ये सब ये बिल्कुल अगर आप भूले तो टेक्स्ट बुक में कहां का सम है किस चैप्टर का वो निकाल लें, उससे आपका आइडिया ज्यादा क्लियर होगा, नॉलेज बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, वन बाय एक्स रूट ओवर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, हम टेक्स्ट बुक का सम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर थ्री में यह भी लिखा हुआ था पुट एक्स इक्वल टू ए बाई टी, अभी तो फिलहाल एक्स इक्वल टू ए बाई टी सब्स्टिट्यूट करके कर दे रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा हम एक्स इक्वल टू ए बाई टी पुट क्यों करें, इसके लिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम अगला वीडियो में या कोई एक वीडियो में एक दो दिन में ये फॉर्म करूंगा इस टाइप का इंटीग्रेशन, पी रूट क्यू डी एक्स, टेक्स्ट बुक में नहीं है, आर डी शर्मा में ये टॉपिक है, आप वहां से कर सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा इस तरह का क्वेश्चन, वन बाय मान लीजिए एक्स प्लस वन, फिर रूट ओवर में टू एक्स प्लस थ्री, या यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ टू एक्स प्लस थ्री,
आइडिया आएगा, मतलब बात सब ये सब है, यहाँ भी लीनियर यहाँ भी लीनियर, यहाँ क्वाड्रेटिक यहाँ लीनियर, फिर यहाँ क्वाड्रेटिक यहाँ लीनियर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, उसमें कहाँ क्या पुट करना है, कुछ रूल्स है, वो रूल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए यहाँ लेट नहीं करता हूँ, एक्स इक्वल टू ए बाई टी पुट करता हूँ। इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे होगा देखा जाएगा। डी एक्स इक्वल टू ए बाई टी वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो वन बाई टी का माइनस ए तो है टी स्क्वायर डी टी, ये डिफ्रेंसिएशन डी एक्स, और इजिली यहां सब्सटीट्यूट करो, वन बाई एक्स का वेल्यू ए बाई टी रूट ओवर ए, एक्स का वेल्यू ए बाई टी माइनस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और डी एक्स का वेल्यू माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। ये एक ए कैंसिल, ये टू ऊपर जाए टी ऊपर जाएगा, चलिए दे देता हूं, ये टी ऊपर गया रूट ओवर, यहाँ ए कॉमन है ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन वन बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू माइनस वन बाई ए तो कैंसिल कर दिया, वन बाई टी स्क्वायर डी टी, फिर से ये टी एक कैंसिल, माइनस वन बाई ए बाहर आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर है रूट के बाहर, यहाँ एलसीएम आपका टी स्क्वायर टी माइनस वन इंटू ए बाहर किए ये एलसीएम वगैरह लिया माइनस वन दे दिया हूं वन बाई टी डी टी। इक्वल टू को कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ बाहर कर दू, इजी लगेगा देखने में, वन बाई ए बाहर किया, देखिएगा वन बाई ए रूट ओवर टी माइनस वन डिवाइडेड बाई ये रूट के बाहर टी स्क्वायर है आ जाएगा वन बाई टी डी टी माइनस वन बाई ए, ये टी तो रेसिप्रोकल होके ऊपर रूट ओवर टी माइनस वन इंटू वन बाई टी डी टी, तो इजी सिंप्लीफाई हो जाता है। वहां जो सब्सटीट्यूशन पुट किए थे वन बाई टी, ये रूल क्या है, कहां क्या पुट करने से इजी एक्सप्रेशन हो जाता है, ये सीखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो दिखाता हूं। ये टी टी कैंसिल हुआ वन बाई रूट ओवर टी माइनस वन डी टी माइनस वन बाई ए, ये पावर रूल से फिर टी माइनस वन का पावर माइनस हाफ, रूट माने हाफ, रेसिप डिनोमिनेटर में है तो माइनस हाफ डी टी। इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटीग्रेशन कर दू, टी माइनस वन का पावर था माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन, इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटू वन माइनस हाफ हाफ, वहां भी टी माइनस वन का पावर वन बाई टू ऊपर जाएगा माइनस टू बाई ए टी माइनस वन का पावर हाफ माने रूट टी माइनस वन माइनस टू बाई ए रूट ओवर, हमने पुट किया था एक्स इक्वल टू ए बाई टी, तो टी आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बाई एक्स, टी का वेल्यू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट आप देना रूट ओवर एलसीएम लेने से एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री का। टेक्स्ट बुक का भी आंसर देख लू, माइनस टू बाई ए यही आंसर दिया है, कहने का मतलब यहां तक भी छोड़ सकते थे, यहां तक भी पहुंचा दिया एलसीएम, और टेक्स्ट बुक का आंसर भी यही मैच करता। क्वेश्चन नंबर थ्री था ये, क्वेश्चन नंबर फोर कर लू, इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज को आप रिविजन के तौर पे लें, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर फोर प्लस वन का पावर थ्री बाई फोर डी एक्स। शुरुआत वाला बात में जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसमें हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब इजी था, एल्जेब्रिक फंक्शन में थोड़ा सोचना पड़ता है किसको सब्स्टिट्यूशन पार्ट रखूं या प्रॉब्लम पार्ट रखूं और किसको रिमेनिंग पार्ट जो डी एक्स के साथ एडजस्ट होगा। यहां भी इसी तरह का सोच आता है कि एक्स का पावर फोर प्लस वन उसका पावर थ्री बाई फोर, नो डाउट यही प्रॉब्लम पार्ट है,
हो या ना हो हम इसको अलग कर देते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 3 बाई 4 और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब ये हमारा रिमेनिंग पार्ट, कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आना चाहिए इस तरह का आइडिया। अब ये जो आना चाहिए वो वाला 1 बाई एक्स में है, तो क्यों ना प्रॉब्लम पार्ट को भी 1 बाई एक्स में बनाओ, क्योंकि x का पावर 4 प्लस 1 को, x का पावर 4 प्लस 1 को अगर t सब्स्टिट्यूट करूं तो 4x क्यूब dx आता है, जबकि ऊपर में x है ही नहीं, जो भी x है 1 बाई है, इसीलिए इस पार्ट को भी 1 बाई बनाओ। 1 बाई कैसे बनाओ ये आइडिया सिखाता हूं। 1 बाई x का पावर 4 प्लस 1 है, x का पावर 4 ही कॉमन दे दो, ये अंदर में यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा 1 बाई x का पावर 4 और ये होल पावर है आपका 3 बाई 4। रिमेनिंग पार्ट अभी नहीं टच करता हूं, क्या होगा नहीं पता। यहां था 1 बाई x नहीं रखूंगा, 1 बाई में कन्वर्ट करूंगा किया, ठीक। x का पावर 4 है, ये पावर तो इसके ऊपर भी जाएगा, प्रोडक्ट है बीच में इसके ऊपर भी जाएगा, ये जब आया तो 4 4 कैंसिल रहा x क्यूब और ब्रैकेट में 1 बाई x का ये जो भी है लिखा हुआ था 3 बाई 4 फिर 1 बाई x स्क्वायर dx, तभी एक्सप्रेशन आ गया यहां भी 1 बाई x में वहां भी 1 बाई x। अब थोड़ा सोचता हूं, सोचता नहीं पहले लिख लू, ये प्रॉब्लम पार्ट जो था उसको तो भाई अलग कर लो, 1 बाई ये 1 प्लस 1 बाई x का पावर 4 का पावर 3 बाई 4 रहा इधर में 1 बाई ये पावर 3 ये पावर 2 ये दोनों मिलके 1 बाई x का पावर 5 dx। सब्स्टिट्यूट करूंगा ये प्रॉब्लम पार्ट है 1 बाई 1 1 प्लस 1 बाई x का पावर 4 इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये x का पावर माइनस 4 है, माइनस 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 4 x का पावर माइनस 4 माइनस 1 dx इक्वल टू dt, माइनस 4 x का पावर माइनस 5 मतलब ये dx इक्वल टू dt, चाहिए हमें 1 बाई x का पावर 5, ठीक है 1 बाई x का पावर 5 dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 dt के लिए बिठा देता हूं, फिर देखूंगा। इसको t माना हमने t का पावर 3 बाई 4 इंटू ये पार्ट मिल गया जब तो करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, और भी ठीक कर लेता हूं, 1 बाई 4 बाहर निकाला, ये t का पावर माइनस 3 बाई 4 है dt है, इजी पावर रूट से बन जाता है 1 बाई 4 t का पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू 4 माइनस 3 नीचे 1 बाई 4 t का पावर भी 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4 ये भी कैंसिल, माइनस बचा खाली t का पावर 1 बाई 4 t का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई x का पावर 4 ये t का वैल्यू 1 बाई 4 प्लस c, ये आंसर होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक का आंसर भी देख लू, टेक्स्ट बुक का आंसर में माइनस 1 प्लस 1 ये टी कैंसिल, यही क्वेश्चन का आंसर है टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4 का लिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 बाई x का पावर हाफ, सब एलजेब्रिक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सब है, फॉर्मूला वाला अभी तक एक भी नहीं आया, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन पे है। आप अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो शुरू से वीडियो देखे, मेरा विश्वास है आपका क्लियर होगा, मैं अपना कोशिश भरपूर कर रहा हूं, आप कमेंट दे तो और भी अच्छा होगा, मैं जितना कर सकूं उतना करूंगा। यहां सब्स्टिट्यूट करके ही ठीक करना है, ऐसा एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ये x का पावर हाफ फिर x का पावर 1 बाई 3 ये 1 बाई 2 1 बाई 3 चक्कर हटाओ भाई, x इक्वल टू t का पावर 6 मान के, क्यों 6 मान के, आइडिया क्लियर होगा, 6 1 बाई 2 में भी हो जाएगा कैंसिल, 2 से और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए, 6 लूंगा, अगर सिर्फ इतना ही रहता तो t स्क्वायर लेता, अगर सिर्फ यही रहता तो t क्यूब लेता, इस तरह का आइडिया सब। तो dx इक्वल टू 6 और रूल ये है, पावर सब है ना हाफ है और 1 बाई 3 है, इसका एलसीएम 6 वो लेते हैं पावर,
1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 होता तो LCM लेके 12 होता, T का पावर 12 लेते, ये बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में ये हाफ है प्लस x का पावर 1 by 3 है प्लस x का पावर 1 by 4 है, तो 2, 3, 4 का LCM 12 होता है, जो होता वो एक लेते, ये सब है जिससे फ्रैक्शन सब घटता है पावर से, ये x equal to T का पावर 6, dx equal to 6, T का पावर 5, d, substitute करो 1 x का पावर हाफ हाफ देने से 6 का हाफ 3 t का पावर और 1 by 3 देने से 1 by 3 इधर भी दिया 1 by 3 इधर भी दिया 1 by 3 करते t square into dx का वैल्यू 6 t का पावर 5 d 6 कॉमन निकाल दो t का पावर 5 इधर डिनोमिनेटर में कॉमन जाता है सिंपलीफाई कर रहा हूं पहले सिंपलीफाई कर लूं फिर जो होगा स्क्वायर कॉमन दिया सिक्स टी स्क्वायर और टी का पावर फाइव टी थ्री टी क्यू टी प्लस वन टी यहां तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया. अब आगे सोचता हूं अगर शुरू से आप वीडियो देखे हैं या आप प्रिपेयर हैं तो आपको याद आना चाहिए हमने एक्स क्यूब बाई वन प्लस एक्स का किया था x square by 1 plus x का भी किया हूँ, x by 1 plus x का भी किया हूँ, x cube by इसमें plus 1 minus 1 दे देते और ये पार्ट को अलग करके प्रोसीड करते हैं, जिससे ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्लियर हो जाए, t cube plus 1 minus 1 ये t plus 1 d, 6 t cube plus 1 t plus 1 dt minus 6 1 by t plus 1 6 a cube plus b cube a cube plus b cube equal to a plus b bracket में a square minus ab plus b square change कर लूँ कलम a plus b t plus 1 a square t square minus ab t into 1 t plus b square plus 1 divided by t plus 1 इधर में minus 6 log t plus 1 plus c ये कैंसिल जाता है 6 इंटीग्रेशन कर देता हूं t square का t cube by 3 minus t square by 2 1 ka t minus 6 log t plus 1 6 se multiply karo 3 2 ja 2 t cube minus 2 3 ja 3 t square plus 6 t minus 6 log t plus 1 t ka value humne liya tha x equal to t का पावर 6 तो t का वैल्यू x का पावर 1 by 6 पावर शिफ्ट होने से रेसिप्रोकल होता है 2 x का t का वैल्यू x का पावर 1 by 6 उसका फिर क्यूब माइनस 3 t स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर t मतलब x का पावर 1 by 6 का स्क्वायर प्लस 6 t का वैल्यू x 1 by 6 माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 एक्स का पावर 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट है आंसर किस फॉर्म में है ये भी थोड़ा चेक कर लूं टू रूट में दिया है ये बात है 1 बाय 6 3 3 बाय 6 एक्स का पावर हाफ माइनस 3 एक्स का पावर 2 से कटने से 1 बाय 3 प्लस 6 x का पावर 1 by 6 माइनस 6 log x का पावर 1 by 6 प्लस 1 ये x का पावर हाफ को आंसर में ये आपका आंसर करेक्ट है यहां तक लिखने से लेकिन जो आंसर लिखा उसको ठीक कर देता हूं x का पावर हाफ ये टेक्स्ट बुक में इसलिए रूट लिखा क्योंकि पावर हाफ है बाकी माइनस 3 x का पावर 1 by 3 प्लस 6 x का पावर 1 by 6 minus 6 log 1 plus x का पावर 1 by 6 plus c a कोई बात नहीं
ये क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में किए, अगला वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन से करूंगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, कमेंट भी करें तो मुझे